नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। सपा और सुभाषपा गठबंधन टूटने के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राजभर अब बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं, पर मायावती के भतीजे ने इन कयासों पर विराम लगा दिया है। तो चलिए जानते हैं मायावती के भतीजे ने क्या कुछ कहा है, देखिए इस रिपोर्ट में। सपा प्रमुख अखिलेश यादव और ओम प्रकाश राजभर के बीच पिछले कई दिनों से चल रहे सियासी नाटक का अंत हो चुका है। सपा ने पत्र जारी कर ओपी राजभर और शिवपाल यादव को पार्टी से बाहर जाने का रास्ता दिखा दिया है। जारी पत्र में दोनों नेताओं को साफ शब्दों में लिखकर उनसे कहा गया कि उनको जहां ज्यादा सम्मान मिले वहां जाने के लिए वो स्वतंत्र हैं। जिसके बाद ओम प्रकाश राजभर की प्रतिक्रिया देते हुए कहा था कि उन्हें भी ये तलाक मंजूर है। दरअसल ओम प्रकाश राजभर काफी सुलझे हुए नेता कहे जाते हैं। वो अपना हर एक कदम बहुत सोच समझ कर उठाते हैं। राजभर की सपा से अनबन के बीच वो कई बार यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मायावती की तारीफ कर चुके हैं। यही नहीं, बीच में तो ये भी कयास लगाए जा रहे थे कि वो बीजेपी में शामिल होने की कोशिश कर रहे हैं। गौरतलब है कि सपा और सुभाषपा गठबंधन टूटने के बाद से ही ये अनुमान लगाया जा रहा था कि राजभर अब बसपा के साथ गठबंधन कर सकते हैं। मायावती के भतीजे और बसपा के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने ट्वीट कर सुभाषपा प्रमुख पर निशाना साधा। उन्होंने राजभर का नाम लिए बिना कहा, यूपी की पूर्व सीएम मायावती के शासन प्रशासन अनुशासन की पूरी दुनिया तारीफ करती है। कुछ अफसरवादी लोग बहन जी के नाम के सहारे अपनी रणनीतिक दुकान चलाने की कोशिश करते हैं। ऐसे स्वार्थी लोगों से सावधान रहने की जरूरत है। फिलहाल मायावती के भतीजे के बयान के बाद ये देखना बाकी है कि सुभाषपा बसपा में शामिल होगी या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम टीवी। जहां कयास लगाए जा रहे थे कि ओपी राजभर बसपा का दामन थाम सकते हैं सपा से तलाक के बाद, लेकिन अब इसमें भी विराम लग गया है। अब देखना यह होगा कि क्या सुभाषपा अकेले अपने दम पे राजनीति में आगे बढ़ती है या फिर किसी और पार्टी का सहारा लेती है। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।